उन्होंने हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की रखी मांग। जालौर सीओ व सायला थानाधिकारी के आश्वासन के बाद हुआ मृतका का पोस्टमार्टम और बनी सहमति। सायला थाना क्षेत्र के पोषणा गांव की सरहद में पोषणा भिन्नमाल स्टेट हाईवे पर रविवार को सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी समेत पुत्र की मौत के बाद समाज बंधुओं ने उचित मुआवजे व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है, जिसको लेकर सायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देवासी समाज सहित ग्रामीणों ने मर्द का सुखी देवी पत्नी उमाराम देवासी निवासी उनड़ी के पोस्टमार्टम से पूर्व एकत्रित हुए, जिस पर जालौर पुलिस उपाधीक्षक रत्नाराम देवासी व सायला थानाधिकारी प्रदीप डांगा अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर देवासी समाज से पोषणा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गोपाल देवासी सीओ व सायला थानाधिकारी से वार्ता की, जिससे सायला पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने व मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग रखी, जिस पर पुलिस उपाधीक्षक रत्नाराम देवासी ने सरकारी योजनाओं का नियमानुसार लाभ दिलाने की बात कही। वहीं सायला थानाधिकारी प्रदीप डांगा ने घटना के बाद सायला पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिससे परिजन लेकर रवाना हुए। बाद में पैतृक गाँव में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि इस हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया है।